रुक जा भारी है। फिर तू बोलेगी मैंने कुछ खाया नहीं है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सुबह का दिन है, रात को मैं एक चम्मच मांज रही थी और उस गंदी सी चम्मच ने मेरा अंगूठे में कट मार दिया। तेज काटा, बहुत ही मतलब मोटी चम्मच है वो, और उससे जो कट लगा है वो बहुत डीप कट लगा है। इफ यू वॉन्ट आई कैन शो यू। नहीं मत शो कर, दिखाना दो ना इसको। खून नहीं दिखा सकते, खून नहीं निकल रहा ना उसमें, कल निकल चुका खून तो। बाबू बाबू प्लीज, बाबू प्लीज, बाबू मत दिखा, जान जान मत दिखा। बहुत बहुत ज्यादा कट है बाबू, बंद कर ले इसको, वापस बंद कर ले, जल्दी जल्दी बंद कर ले, बंद कर ले। ये एक मतलब काफी मोटी चम्मच है हमारे यहाँ पे, कोई भी ऐसी चम्मच नहीं है जिसमें जो पैनी हो, लेकिन वो पता नहीं मैं उसको ऐसे करके कर रही थी तो वो एकदम से यूं करके कटी है। छोटे मोटे कट जिंदगी में लगते रहते हैं, मेरे को इनसे फर्क नहीं पड़ता। तो गाइज मैं बता दूं कि आज हम लोग लेट उठे हैं और हमें सुबह जिम जाना था क्योंकि शाम को हमें कहीं जाना था। तो अभी ना तो सुबह के जिम का कंफर्मेशन है और ना शाम को जहाँ जाना है उसका कंफर्मेशन है। लेकिन अगर शाम को हम कहीं गए तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। मैं कुछ बताऊंगी नहीं क्योंकि अगर नहीं जा पाए तो समझ रहे हो ना, पता नहीं इसके आगे क्या बोलता है। बेबी काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन नहीं आता। पुसी ना पुसी ना, क्या बोल रहे हो ये आदमी, कल से ये इसको गाना तो आता नहीं है, है? अगर इनको अब लिरिक्स लिरिक्स देख लेंगे, मुझे मैं यही बोलने वाली थी कि जब इनको कोई सॉन्ग नहीं आता ना, जैसे कि इनको पसंद पहले है। मैं जिंदगी में सिर्फ इंग्लिश गाने ही सुनती थी, तब से ये औरत मेरी जिंदगी में आई है। पुराने गाने, हिंदी गाने वो सुनने को लगा दिया, मतलब हिंदी भी सुनती थी लेकिन इंग्लिश पहले मैं बहुत ज्यादा सुनती थी। कहाँ कहाँ दिखा रही है ये, तुम्हें दिखा रही हूँ। सुनने से रोका है क्या कि तुम मत सुनो, काम डाउन बेबी, काम डाउन, काम डाउन गर्ल, दिस इज योर बॉडी, पुट माय हार्ट फॉर लॉकडाउन, फॉर लॉकडाउन। You see it like Fanta or Fantown. If I tell you, say I love you, no day, no day from day, younga, younga, no tell me, no, 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 wa, 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 bye. Baby, give me your lo, 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 lo. You got me like wa, 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 wa. Done. Shawty, give me your lo, 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 lo. Yeah, I'm just sitting to cook for you. Yellow, every other girl day. क्या हो गया मेरे बाप को? अगर उसने काम डाउन वाले ने सुन लिया ना तुम्हारा ये गाना, वो सर पकड़ के पागल हो जाएगा, कॉन्सर्ट में चुप हो जाओ। बट शी नो बाप पागल हो गया तेरा, हो गया काम डाउन, हो गया, तुमने गाइस को बोर कर लिया, हो गया तुम्हारा काम। तो गाइस अभी मुझे काम करना है बहुत सारा और आपने मेरे थंब की हालत देख ही ली है, तो क्या कर सकते हैं। और ये देख लो यहाँ साइड से पसीने बहते हुए, पता नहीं सारी दुनिया के पसीने मुझे ही आते हैं क्या, इतनी गर्मी मुझे क्यों खाती है मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है ना, आपको तो पता ही है ना उत्तराखंड ही होने का नुकसान, एक उत्तराखंड के बंदे को मुंबई में रहने का नुकसान है ना। अपन जो घर लेंगे ना अपन वहाँ ले लेते हैं, कहाँ? कसौल में, कसौल में, हाँ तो ना पहाड़ों के बीच पहाड़ बंदे थे, सामने पूरे पहाड़ थे। हाँ लेकिन अपन इंडिविजुअल लेंगे, हाँ मेरे को फ्लैट फ्लैट में नहीं रहना, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी चाहिए। लड़ाई होगी सीधे खिड़की से धक्का नीचे, मेरे को मिलेगा भी नहीं, मेरे को दोगी तुम, मेरे को मारना चाहती हो? कल को तुम्हारे लिए मेरा नाम आ जाएगा इसमें, व्लॉग में आ जाएगा कि मैंने मारा तुझे, है ना? भगवान भी नीचे उतर के ये बात कह देना कि पायल ने यशविका को मार दिया, तो पूरी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि कोई प्यार करने वाला इस बात पे यकीन करेगा। क्यों गाइस, मान सकता है कोई ये बात? ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अपने, ब्रेड एंड ग्रीन टी, मिलते हैं आपसे। और यार मुझे मॉर्निंग जिम जाना था जो मैं नहीं जा पाई हूँ, और अगर मैं शाम को भी जिम नहीं जा पाई, जब भी उसको बोलते हैं मॉर्निंग में आएंगे वो वेट ही करता रह जाता है। सही में ट्रेनर बहुत अच्छा है यार हमारा, मतलब वो बढ़िया बंदा, बहुत ही बढ़िया है, बोलते हैं ना प्योर हार्ट, वो है वो बंदा सच में।
सारा काम वाम करके मिलती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आज डुगू थोड़ा सा मेरा स्ट्रगल दिखाएं काम करते हुए, यू नो, जो मैं चीज़ें करती हूँ, मैं काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ और मुझे खाना भी बनाना है। आई होप कि ये व्लॉग वो बंदा ना देखे जो आज हमारे यहाँ पे आने वाला है लंच के लिए, वरना उसको बहुत रिग्रेट होगा कि मेरा अंगूठा कटा हुआ था और मैंने खाना बनाया। लाइक ऐसा आने वाला है कुछ, यार तुम लोगों को बता सकते थे यार, बोले थे यार, बाहर से मंगा लेते यार, ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, मतलब यू नो रेडियो। अभी हम लोग कर रहे हैं अपना डिनर। डिनर में आज बनी है रोटी, चटनी, सैलेड एंड लंच। सॉरी गाइस, डिनर बोल दिया, लंच है ये। और ये है मशरूम और आलू की सब्जी। देखो धीरे, मशरूम आलू टमाटर की सब्जी बहुत टेस्टी बनी है, एक नंबर। सो गाइस, अभी यशु के हम पट्टी बांध रहे हैं क्योंकि इसको चोट लगी थी। दिखा दो इतनी चोट, एक मिनट हो ना, ये देखो दिख रही है, दे नो, चल हो गया। अभी ये जो ऊपर तो अपने ऐसा निकाल दिया, देखो ये खतरों के खिलाड़ी में जाने की तैयारी हो रही है एक्चुअली। बस एक वही रह गया था। हाँ, उसका नाम नहीं लिया था ना, क्योंकि उसमें वो कॉकरोच, जहाँ पे जाना होता है वहाँ का नाम नहीं लिया जाता, वहाँ बस चले जाते हैं। वहाँ तो मैं बिल्कुल ही जाना चाहती, वहाँ पे बस सांपों के बीच छोड़ देते हैं, टैंकर को पानी के अंदर डाल देते हैं, बंदा वहीं हो जाए उसका काम। बाबू अब सबसे पहले बैठ दो, ये 4 किलो पट्टी। जा, स्टाइल मार दिए ज्यादा। मैं स्टाइल कहाँ मार रहा हूँ, मैं तो तुमको देख रहा हूँ, तुमने कैसे पट्टी बांध दी, अंगूठा बाहर आ रहा है यहाँ से। तो रुकना अभी, कहाँ आ रहा है बाहर, तो ये थोड़ा तो दिखेगा ना। हाँ, आने दो, लगी यहाँ पे अंगूठे के ऊपर थोड़ी लगी है। अब ये पट्टी आधे घंटे में कटेगी। हंसाओ मत यार, तुम मजाक ही बनाते हो हर चीज का यार। ठीक है ना, ऐसी चीजों को मजाक में ले जाना ही बेहतर है। वाह, जल्दी कट गई, ऑडियंस सामने है ना, खींच मत उसके धागे निकल। हमारे यहाँ जब चोट लगती है ना, फिर डांटना अलाउड नहीं होता उस दिन। हाँ, वही देख रही हूँ मैं, इस आदमी ने कौन सी मेरी हेल्प की है, ये तो एडिटिंग में लगा था अपनी, और फिर आके कहता है बहू मेरे पुत्र को देख के ना तरस आ रहा है, जो मैंने पन्नी बांध के आटा गूंदा, इस वाले हाथ से गूंदा है आटा, तो मैंने लेफ्ट से, मेरे को तरस आ रहा है तेरे ऊपर बाबू, तरस में भी कुछ कर नहीं सकता, तरस आ रहा है। छपरी डॉक्टर कहा जाता है, पट्टी नहीं बांध, पट्टी खोल चुके, थोड़ा सा और फाड़ना पड़ेगा, नीचे से बांधो। हाँ, छपरी डॉक्टर, इसको इसको पीछे खींचो, इसको ऐसे कर लो ना, रुक तो छोड़ ना, तो जख्म ठीक होने के बजे और गहरा हो जाएगा, पूरा दबा रखा है उसको, रुक जाओ ना, कर दो मेरे तरफ काम, उस दिन टांगे सो गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं जिम और मैं करने जा रही हूँ योगा। दिखा रही तेरा चलना, चल अब शूट तो कर ले। आप यहाँ पे क्यों सो रहे हो ये बताओ, क्या मतलब है यहाँ पे सोने का, आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है या पब्लिक प्लेस है ये जो आप इधर सो गए? हाँ, आपकी मम्मा छोटी बेटी के पापा, मेरी बेटी, क्या हुआ? अच्छा नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी आपको, आई एम वेरी गुड ह्यूमन बींग। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, यार मेरे लेग डे नहीं थे, लेग डे मेरा कल था, लेकिन मेरी लेग्स की आज अच्छे से लगी है, बहुत अच्छे से लगी है, आज मैंने एब्स किए हैं और फुल टू मज़ा आ रहा है आजकल बहुत एक्सरसाइज करने में, क्योंकि टफ टफ चीज़ें जब आपके सामने आती है ना, तो टास्क की तरह मिलती हैं आपको, जब आप उनको पूरा करते हो तो बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आजकल मैं नोटिस कर रही हूँ, मैं अपने ब्लॉग देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरा एंड पता नहीं क्यों जाता है, लिटरली मतलब मेरे को फील होगा कि मतलब मैं बोलते हुए
क्यों करते हो ऐसा? अब मुझे समझ में आ रहा है कुछ लोगों को ओवर एक्टिंग लगता है, लेकिन सच बता रही हूँ, भगवान ने मुंह ही ऐसा दिया है। मैं सोचती हूँ उसको यूं करके ना बोलूं, लेकिन ऑटोमेटिकली फ्लो में हो जाता है। जैसे मैं कोई आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी ना, तो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन बिना मुझे बताए खुद अपनी मर्जी से जिद पे आके चेंज हो जाएंगे। मेरी नहीं सुनते फिर को, समझ रहे हो आप? चल अब चल चल तो बोल ले। ये जो हाथ है ना और ये जो उंगलियां हैं, ये मेरी सुनती नहीं है, सीधी होती है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सीधी हो जाएंगी, लेकिन मैं बात करूंगी ना तो ये यूं हो जाएंगी। आदत ही को मेरी बेइज्जती करानी तो गाइस कल मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं करने आऊँ कार्डियो, लेकिन रोहन ने बोला है कि कल एक दिन रेस्ट लो, फिर उसने मुझे सदमा दे दिया कि मैं परसों मंडे को जो है वो फंक्शनल कराऊंगा, और फंक्शनल इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि सारी आपकी खुद की एक्सरसाइज होते हैं, मशीनरी कुछ भी नहीं है, तो मेरी टांग कभी यूं जाएगी, कभी यूं जाएगी, और मैं कभी यूं जाऊंगी, तो समझ रहे हो मेरे हार्ड वर्क सब टूटने वाले हैं मंडे। तो हम जिम में ऐसा हो सकता है आऊँ या फिर ना आऊँ, डिपेंड करेगा आज रात पे और फिर कल सुबह पे, तो मैं ज़्यादा नहीं पका रही, आ जाओ फॉलो मी। सो गाइज आज मे भी हम कुछ बाहर खाने जा रहे हैं, बाहर का हाथ तो चलता है यार, कल संडे है ना, खाना खाना है होटल वेस्टर्न में। सो गाइज वेस्टर्न होटल में हम लोग गए अंदर। एक सेकंड मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, एक्चुअली आज मेरा अंगूठा जो कटा हुआ है तो वो कटने की खुशी में हम आज बाहर आए हैं, और मेरा आज पूरा पैम्परिंग डे चल रहा है, शाम के बाद से जब से मैंने दिखाया है कि मेरा अंगूठा कटा हुआ है, पूरी पैम्परिंग मिल रही है मेरे को, तो अब हम जा रहे हैं कुछ मस्त खाने। तो हम पहले गए थे वेस्टर्न होटल, वहाँ पे हमने नहीं खाया क्योंकि वहाँ पे चिकन और वेज सेम ही उसमें बन रहा था, और उन्होंने खुद से बोल भी दिया कि सेम बर्तन में बनता है, अच्छी बात है उनकी, उन्होंने बोल दिया तो हाँ उनकी अच्छी बात है, लेकिन मन में तो आ जाता है ना, देखो मतलब किसी ने कहा है कि सामने अगर आपके किसी चीज में मक्खी पड़ी है तो सामने पड़ी हुई मक्खी आप निकल नहीं सकते, कहीं तो निकाल वो मतलब ऐसा, तो मेरा मन नहीं माना, हम दोनों का ही नहीं माना, तो फिर हम लोग अभी हम लोग आए दाराज ढाबा, जहाँ से हम काफी बार फूड मंगा चुके हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे आके खाने का बहुत, ये देख लो ये है दाराज ढाबा। नकली गेम ज्यादा अच्छी जा रही है। वाओ वन इन उनो कार्ड्स, वेरी गुड, क्लैपिंग। हमने दोबारा खेला है, पहले खेल चुके थे, हमारी ये निकली थी बॉल, चलो रियल खेलते तो ये लगता है। क्या है सो गाइज, रात के बज चुके हैं 11:53, हम लोग घर पे आ चुके हैं। तो जैसे कि आपने देखा आज मैंने किया था योगा, वैसे आजकल मैं योगा ही कर रही हूँ जिम के अंदर, और यशु का तो चल ही रहा है वर्कआउट भी, हम लोग जो बाहर खाया है पनीर दाल मखनी ये वो फलाना दाल मखनी, लेकिन बस भगवान बचाए रात मेरी अच्छी जाए, ऐसा कुछ नहीं खाया, मैं दवाई लेके सोऊंगी, और ऐसा कुछ खाया भी नहीं है ना, आपने कुछ फ्राइड खाया ना, आपने मसाले वाला खाया, अच्छा। ना आपने ऑयली खाया, अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं खाया, स्टीम राइस थे और दाल मखनी बिल्कुल सिंपल बनी हुई थी, फिर भी दवाई ले लूंगी ना। हाँ ठीक है, पकड़ लेंगे दवाई तो लोगे आप ऐसे भी। हाँ, मेडिसिन का टाइम, तो डुगू अपनी मेडिसिन ले रहे हैं और इसका दुख दर्द समझ नहीं आ रहा, मेरी मेडिसिन काली काली आयुर्वेदिक है ना, पोटी भी काली आती है, सब बता दिया करो यहाँ पे, सारी स्कीमें बता दिया करो यहाँ पे, अगर कोई लेना आगे से कोई ले तो उसको पता होना चाहिए ना पहले से कि कौन से कलर की आएगी इसको खाने के, तो बातें सुनना है इनकी, इतने महीने महीना हो गया मैंने अपनी पोटी गोरी नहीं देखी, काली आ रही है। आप इतनी कॉमेडी कहाँ से करने लग गए डुगू, है ऐसा लगने लग गया आजकल कंटेंट मैं कम दे रही हूँ, आप तरह कंटेंट देने लगे हो गाइस को, ऐसा है अब ये जो दवाई है ना गाइस, ये मेरी जान है, ऐसे नहीं बोलो जान नहीं है, नहीं दवाइयाँ गंदी होती है, छी गंदी दवाई, दुश्मन है ज्यादा तेज, नहीं 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 भाई भाई इतनी भी दुश्मन नहीं है, रात को दर्द हो गया तो यही काम आएगी,
भाई ये नहीं, मैं वैसे बता रही हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं बता रही भाई, कम्युनिटी गाइडलाइंस का वो पड़ जाएगा मेरे पे, कुछ नहीं है, अपनी अपनी दवाइयां खुद लो। YouTube का नया रूल आया ना कि आप कुछ भी गलत, यू नो, गलत इन द सेंस कि ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते कि जिसको देख के जिसके आप एक्सपर्ट नहीं हो, यस। व्हाट आई वांट टू से इज यू कांट से समथिंग लाइक फलाना ढिकाना, मतलब सुनी सुनाई चीज या फिर जो चीज सिर्फ आप जानते हो, आपको सही लग रही है, आप उस चीज पे नहीं जा सकते, प्रैक्टिकली चीजों पे बात करनी है, तो सबकी यू नो हेल्थ अलग अलग है। दवाई ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है ना, तो कल सुबह मेडिसिन लेने चलना है सबसे पहले, सुबह के लिए नहीं है। हाँ तो कल मेडिसिन लेने चलना है, पता नहीं क्यों नहीं गए आप, खुला रहता है वो तो 24 आवर्स खुला रहता है। कुछ लोग बोल रहे थे रोमांटिक व्लॉग बनाओ यार, रोमांटिक व्लॉग चाहिए आपको, बना लेना, पादू पादू कर लेंगे, पादू 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 इतने दिन से पालू पालू भी नहीं बोला मैंने और ना किया पालू पालू। बाबू दवाइयों से फुर्सत मिले तो पालू पालू करेंगे ना, ठीक हो जाओगे आप, किया भी नहीं इतने दिन से पालू पालू, छोटी मोटी चीजों से डरने वाली बात। मैं एक बात बताऊं आपको, मेरे को ना सिर्फ वही लोग प्यार कर सकते हैं जो मेरे को यू नो समझेंगे, जिनको मेरी चीजें पता होंगी, और जिन्होंने मुझे समझ लिया ना वो मेरे को प्यार करे बिना रह नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ, मतलब मुझे अपने बारे में पता है कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, तभी तो मैं इतना खराब हूँ। और ये इंसान मेरे को इतना समझता है ना, मतलब ये दुनिया का एक लौता इंसान ऐसा है जिसने मेरे को मुझसे भी ज़्यादा समझा है, मतलब मुझसे भी ज़्यादा, जितना मैं खुद को नहीं समझती उतना समझा है इस इंसान ने मुझको, और ये मुझे कुछ भी समझा सकता है, ये मुझे कुछ भी बता सकता है, और हम दोनों लड़ाई कर सकते हैं। बस मैं ही समझू हर चीज, मैंने समझने का ठेका लिया है। एक बार बता रही थी ना गाइस तुम्हें, बीच में इंटरप्ट कर दिया, ओके सॉरी। जब नाना की तबीयत ठीक मतलब खराब रहती है ना, जब लोगों को पेन होता है, जब थोड़ी जो ना चीजें ऐसी हो जाती है कि अभी मैं थोड़ा सा परेशान हो जाती हूँ, तो मैं ज्यादा शो नहीं करती ऐसे कि भाई मेरे को मैं टेंशन में हूँ, और मैं सचमुच मैं टेंशन में होती भी नहीं हूँ, मैं बस ऐसे भगवान जी से प्रेयर कर रही होती हूँ कि अभी ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव रहता है मेरा माइंड बहुत ज्यादा, ऑटोमेटिकली भगवान जी इतनी शक्ति देके रखते हैं कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है तेरे को, तो मिलवा दिया ना बस भुलवा दिया ना बस, ज्यादा फ्लो में चली जाती हूँ कहानी में, फिर भूल ही जाती हूँ बात किस लिए। तो इसी के साथ हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड गाइस, आई होप अभी याद कर रही हूँ ना मैं, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल करना तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग, टाटा बाय, गुड नाइट। और हम दोबारा से वो कमेंट्स वाली प्रथा शुरू करने वाले हैं, डेली के 2 कमेंट्स चूज किए जाएंगे जो ब्लॉग के स्टार्टिंग में दिखाए जाएंगे, ठीक है, जो मेरे को मतलब इस बार हम क्या करेंगे ना कि इस बार जो हम कमेंट्स लेंगे ना फनी कमेंट्स लेंगे, मतलब कुछ ऐसा हमारे बारे में जो फनी हो, समझ रहे हो, ऐसे नहीं है जान, नहीं ना कुछ भी ऐसा जो अच्छा लगे, जो डिफरेंट हो, मतलब थोड़ा फनी वे में, लेकिन प्लीज ना फनी कमेंट क्या करो, मजा आता है पढ़ के, थोड़ा फनी वे में करना कुछ ऐसे कमेंट जो मतलब पढ़ के हमें हंसी आए, ठीक है, और आप लिखते समय हंसी आए। और एक चीज और गाइस, मैं ऐसे तो बहुत सारे लोग मेंशन करते हैं कि हम इस सिटी से हैं, हम इस सिटी से हैं, तो एक बार फिर से क्यों ना आप कल के कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आप किस जगह से हो, तो आप फनी करेंगे कि जगह से बताएंगे, तो फनी लिखने के बाद ब्रैकेट में जगह आ जाएगी, जगह भी नहीं लिखोगे तो स्टेट मेंशन कर देना, कोई बात नहीं, स्टेट मेंशन करना, हाँ यूपी एमपी स्टेट मेंशन करना, मतलब शॉर्ट फॉर्म में आती है ना, ऐसे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी और हमको भी पता चल जाएगा, हाँ ठीक है, तो कल से करेंगे अपन ये, मतलब कल से तो नहीं, ये वाला व्लॉग जिस दिन आएगा ना उसके अगले वाले व्लॉग से, क्योंकि इसमें तो मुझे पता नहीं चलेगा ना। और गाइस जिस दिन भी हम नॉर्थ साइड आएंगे लाइक दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार, पंजाब, लुधियाना, जिधर भी हम आएंगे, जिस दिन भी यहाँ से जब भी हमारा प्लान बनेगा, तो मैं आप लोगों से ऐसा वादा करती हूँ पक्का वाला कि हम मीटअप करेंगे, जी ठीक, चाहे आदमी उस मीटअप में आए ना आए, तुम्हारा भाई अकेला आएगा कोई बात नहीं, अगर ये नहीं आया तो, ऐसे तो ये भी आएगा, ये जाएगा कहाँ, इसको उठा के ले आऊंगी मैं बस, तो इसी के साथ तो करते हैं व्लॉग को एंड, टाटा बाय बाय, गुड नाइट गाइस, बस मारो खाते।